बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है, यह हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के आतंकी ठिकानों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है और ये जो हमले का वीडियो है अब वो भी आ गया है। दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रही है कि ईरान के जो आतंकी संगठन थे उनके ऊपर अब निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। पहले ईरान यह कह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन के ऊपर हमने एयर स्ट्राइक किया है और अब पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि ईरान के आतंकी ठिकानों को उसने अभी निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर इस बीच यही कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले ईरान ने किए थे उसका अब जवाब दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रही है कि ईरान के जो आतंकी संगठन थे उनके ऊपर यह हमला किया गया। न्यूज 18 इंडिया के संदीप बोल जुड़े हैं, वो ज्यादा जानकारी आपको देंगे। कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर संदीप अभी आगे मिल पाए क्या? पाकिस्तानी मीडिया इसके आगे भी कुछ बता रही है या दावा कर रही है क्या? देखिए, अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके का स्ट्राइक की खबर है उसको ओन करेगी पाकिस्तान और हो सकता है कि इसको लेकर भी एक रिलीज इशू किया जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इसको इस बात की तस्दीक की थी कि हाँ उनके यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। कैजुअलिटी भी बताई थी लेकिन वो बहुत कम थी जैसा कि बताया जाता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ईरान ने कल अपना स्टैंड लिया, ईरान ने ये कहा कि भाई हम लोगों ने उस टेररिस्ट आउटफिट को हिट किया जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है, मौजूद है और जिनकी वजह से उनके कई दो दशक से तकरीबन जो है वो आपस में मुसीबत झेल रहे हैं ईरान जो है उस मिलिटेंट आउटफिट का, तो उसको अटैक किया। तो अब पाकिस्तान भी इसी तरीके की स्थिति में था और उसको भी पता है कि ईरान पर अगर डायरेक्ट अटैक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये मसला बढ़ सकता है, एस्केलेशन हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी एक मैसेजिंग देने के तौर पर उसी मिलिटेंट आउटफिट को सीमा के अंदर 20 मील दूर जाकर जो है हिट किया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक तौर पर जानकारी भी नहीं आई है, लेकिन वहां की अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात करें तो ये तो साफ कर दिया है कि एक एयर स्ट्राइक हुई है, कई एयर स्ट्राइक हुई है और कल बाकायदा एक ट्वीट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किया गया था जिसमें उनका एक जेट दिखाया गया था और गुड नाइट लिखा गया था। जाहिर सी बात है कि वो पहले से मैनेजिंग कर रहे थे, लेकिन अभी देखना होगा कि वहां पे कितनी कैजुअल्टी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान प्रांत है यहाँ पे लंबे समय से ये आतंकी संगठन फल फूल रहा है और ये चाहता है कि बलूचिस्तान पूरा अलग उनके लिए एक मुल्क बन जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारे अलग अलग आउटफिट का कई विद्रोही ग्रुप है लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरीके का विद्रोही गुट है जो कि बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ साथ ईरान का जो पार्ट है सिस्तान वाला वो भी अपने पास चाहता है। तो इसीलिए ये जो स्ट्राइक हुआ है इसकी पुष्टि अब दोनों सरकार यानी कि दोनों देशों की तरफ से होगी तभी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने देखा था कि पाकिस्तान पर जब हमला हुआ था तो ईरान की तरफ से बाकायदा ये बताया गया था कि कैसे जैश अल अदल जो आतंकी संगठन है उस पर हमने निशाना साधा है। तो अब क्या पाकिस्तान ये बता पा रहा है कि ईरान पर अगर हमला किया तो कौन सा आतंकी संगठन है, किसके ऊपर हमला किया गया है? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है ये उसी आतंकी संगठन जो कि जैश अल अदल है उसको ही इन्होंने हिट किया है जो अभी तक जो वहां की मीडिया बता रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है क्योंकि ये रिटेलिएशन है क्योंकि अगर ईरान ने अगर ये स्ट्राइक कल नहीं की होती तो शायद पाकिस्तान ये नहीं करता, तो रिटेलिएशन है। रिटेलिएशन में कई सारे इक्वेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। संदीप, तो जैसा आप बता रहे हैं कि अभी और ज्यादा जानकारी तो तभी मिल पाएगी जब दोनों देश आगे कुछ बताने को तैयार होंगे, कोई आधिकारिक बयान अब इस पे ईरान का भी जब सामने आएगा तब और ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिल पाएगा।